नमस्कार। बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्र छात्राओं का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम रेप्टेलिया का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। रेप्टेलिया सरीसृप जंतु होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो जो रेप्टेलिया वर्ग है इसको पांच अलग अलग उपवर्गों में विभाजित किया गया है। एलेप्सिडा, यूरिप्सिडा, पेरेप्सिडा, सिनेप्सिडा, डैप्सिडा, ये पांच अलग अलग इसके उपवर्ग हैं रेप्टेलिया वर्ग के। इसमें जो क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण का आधार है वो इनका स्कल की संरचना के अंतर्गत पाया जाता है। तो आधार स्कल है, स्कल की संरचना है, कपाल है, और कपाल के अंदर जो ये टेम्पोरल ओपनिंग होती है, ये टेम्पोरल एक क्षेत्र है अस्थियों का, वहां कुछ छिद्र पाए जाते हैं। तो छिद्रों की स्थिति और उनकी संख्या इसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ये एक कपाल है इसका, रेप्टिलिया का। इसमें विभिन्न प्रकार की अस्थियां या दिखाई गई है जो कपाल में पाई जाती है। ये आगे वाली प्रीमैगिला है, इमैगिला है, ये ऑर्बिट है जहां नेत्र पाया जाता है, ये नेजल अस्थि है, ये फ्रंटल अस्थि है, ललाट अस्थि है माथे वाली, ये जो रीजन है ये पैराटल क्षेत्र पाया जाता है, और इसके पीछे जो ऑर्बिट है इसके पीछे वाला पोस्ट ऑर्बिटल क्षेत्र पाया जाता है, ये जो इसके नीचे क्षेत्र है ये हड्डी है, ये जुगल क्षेत्र कहलाता है, ये मैगिला है, और ये क्वाड्रेटो जुगल क्षेत्र पाया जाता है छोटी सी हड्डी, ये पोस्ट ऑर्बिटल है, और ये इसके मजल अस्थि पाई जाती है जो यहाँ है। तो इस प्रकार से विभिन्न अस्थियां मिलकर कपाल की संरचना का निर्माण करती है। तो अब इनकी बात करते हैं वर्गीकरण की। ये जो एनेप्सिडा उपवर्ग है इसमें कोई भी टेम्पोरल छिद्र नहीं पाया जाता है। तो बिना टेम्पोरल छिद्र के ये एनेप्सिडा जंतु पाए जाते हैं, इनके अंदर टेम्पोरल छिद्र पाए जाते हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति है, लोकेशन है, वो 150 लिटल प्रकार के पाए जाते हैं। पृष्ठीय पार्श्व सतह पर ये एक जोड़ी ये टेम्पोरल ओपनिंग है वो पाए जाती है, एक दाई साइड में, एक बाई साइड में, और इनके नीचे जो इनको घेरे हुए हड्डियां होती हैं, एक पोस्ट ऑर्बिटल है, एक स्क्रोमोजल है। जो पैरेटल क्षेत्र में ये टेम्पोरल ओपनिंग है, इसके नीचे पोस्ट ऑर्बिटल इसको मुझल जो अस्थियां होती हैं वो नीचे से इसको घेरे रखती हैं। ये पेरेप्सिडा जंतु जो होते हैं इनके अंदर जो कपाल होता है उसमें भी एक जोड़ी टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है, एक दाई साइड में है, एक बाई साइड में है, और ये भी 150 लेटरल स्थिति है इनकी जो पृष्ठीय पार्श्व तल पर पाई जाती है, और इनके अंदर जो अस्थियां होती हैं नीचे से जो अस्थियां इनको घेर रखती हैं, एक सुप्रा टेम्पोरल है, सुपर टेम्पोरल वाली अस्थि है, और एक ये पोस्ट ऑर्बिटल अस्थि है, दोनों अस्थियां इसको नीचे से घेर रखती हैं इस टेम्पोरल ओपनिंग को पेरेप्सिडा के अंतर्गत। जो सिनेप्सिडा, सिनेप्सिडा जो ये ऊपर पाया जाता है इसमें जो कपाल होता है इसमें भी एक जोड़ी टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है, छिद्र पाए जाते हैं, और इनकी जो स्थिति है वो लेटर साइड में आ गई है, पार्श्व तल पर आ गई है, पृष्ठीय पार्श्व तल से पार्श्व तल पर ये पहुंच गई है, और इनके जो अस्थियां होती हैं जो इनको ऊपर से घेरे हुए हैं, एक वही इस प्रकार से पोस्ट ऑर्बिटल है, और ये जो वाली है इसके मोजल अस्थियां हैं, तो दोनों अस्थियां इसको ऊपर से घेरे रखती हैं। अंतिम जो इसका ऊपर है डैप्सिडा जंतु पाए जाते हैं, और डैप्सिडा के अंतर्गत इसमें दो जोड़ी टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है, एक ऊपर पाई जाती है, एक नीचे पाई जाती है, इसको बोलते हैं सुप्रा टेम्पोरल ओपनिंग, एक इन्फ्रा टेम्पोरल ओपनिंग, और दोनों के बीच में जो दोनों को पृथक करती है ये दो अस्थियां पाई जाती हैं, एक तो इसमें है पोस्ट ऑर्बिटल और एक इसके मौजूद अस्थियां, ये दोनों का एक बार होता है, इनके माध्यम से ये दोनों जो ओपनिंग होती है एक दूसरे से पृथक पाई जाती है। तो ये जो संरचना है कपाल की है इन विभिन्न उपवर्गों की, और इसके अंतर्गत जो जंतु होते हैं वो पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें जो यूरिप्सिडा जो उपवर्ग है
ऊपर है ये विलुप्त जंतुओं का समूह पाया जाता है। यहाँ कोई भी जंतु अब जीवित नहीं है, सबके सब विलुप्त हो गई। केवल ये एनफिडा जिसमें टेम्पोरल ओपनिंग नहीं पाई जाती वो अभी जीवित है, और एक डैफिडा जो उपवर्ग है इसके जंतु यहाँ पाए जाते हैं, जिसमें दो टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है। इनके संबंध में आगे हम चर्चा बढ़ाते हैं। ये जो एनफिडन जंतु होते हैं उसको दो गणों में विभाजित कर दिया गया है, पोटाइलोसीरा है, पोटाइलोसूरिया है और किलोनिया है। ये दो अलग अलग गण पाए जाते हैं इस एनफिडा उपवर्ग के। ये जो पोटाइलोसूरिया है ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त जंतुओं का समूह है, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे जो वर्गीकरण है उसे विलुप्त जंतुओं को हटा दिया गया है। किलोनिया जो इसका गण है उसके संबंध में हम बात करते हैं, जिसमें कछुए आते हैं। तो इसकी जो देह होती है छोटी होती है, चौड़ी होती है और अंडाकार आकृति की पाई जाती है, और बॉडी के बाहर एक कवच पाया जाता है जिसका निर्माण पृष्ठीय उत्तलीय कैरापेस के माध्यम से और अधलीय जो चपटा प्लेस्ट्रॉन के रूप में दो भाग पाए जाते हैं, प्लेस्ट्रॉन एक कैरापेस। कैरापेस डोर्सल सरफेस होता है और प्लेस्ट्रॉन होता है वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। तो ये कवच यहाँ बनता है और जिसके अंदर जंतु उपस्थित पाया जाता है। तो दोनों जो ये भाग हैं प्लेस्ट्रॉन और ये कैरापेस, ये अपने जो पार्श्व तलों पर एक दूसरे से जुड़े पाए जाते हैं। ये जो वक्षीय कशेरुक हैं, पसलियां हैं, ये आपस में जुड़कर इस कैरापेस के निर्माण में भाग लेती हैं। तो यहाँ पसलियां और ये जो वक्षीय कशेरुक हैं अनुपस्थित पाए जाते हैं। जो पाद होते हैं इनके दो जोड़ी पाद हैं, अग्र और पश्चिम, और इन पादों पर जो यंत्र ये होते हैं नखरयुक्त होते हैं, या इनमें झिल्लियां पाई जाती हैं उंगलियों में, या ये जो पतवार नुमा आकृति के पाए जाते हैं। तो इनके जो आधार पर हम तीन अलग अलग कछुओं को पहचान सकते हैं। जो स्थलीय कछुए होते हैं उसमें नखर पाए जाते हैं इनकी अंगुलियों में, और जो फ्रेश वाटर कछुए होते हैं, जो मृगजलीय कछुए होते हैं नदियों में और झीलों में मिलते हैं, उसमें जो उनकी उंगलियां होती हैं उसमें झिल्लियां पाई जाती हैं। और जो कछुए समुद्री होते हैं उसमें पैडल पतवार नुमा उनकी संरचना पाई जाती है इनके पादों की। तो इस प्रकार से हम तीनों कछुओं को अलग अलग कर सकते हैं इन गुण के आधार पर। जो एनफिडन इसमें कपाल होता है जिसमें ये जो टेम्पोरल ओपनिंग या छिद्र अनुपस्थित पाए जाते हैं, यहाँ जो क्वाड्रेट अस्थि होती है कपाल की वो अगतिशील पाई जाती है, इसमें गति नहीं पाई जाती। और जो अवस्कर होता है, अवस्कर छिद्र होता है, वह अनुदैर्ध्य खांच के रूप में पाया जाता है। नरों में मैथुनी अंग अनुपस्थित पाए जाते हैं, और स्टर्नम जो होता है, उरोस्थि जो होती है जिसमें पसलियां आकर आगे जुड़ती हैं, वो यहाँ अनुपस्थित पाया जाता है। मूत्राशय यहाँ उपस्थित पाया जाता है। तो ये लक्षण है किलोनिया गण के, और इसमें जो टोर्टोइज हैं ये सब के सब इसी वर्ग के अंदर, इसी गण के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं डायफिडन जंतुओं के बारे में। इनको तीन अलग अलग गणों में विभाजित कर दिया गया है। एक इनको सेफलिया है, एक स्क्विमेटा है, एक क्रोकोडेलिया है। ये तीन अलग अलग जो है गण पाए जाते हैं इस डैफिडल जंतुओं के। पहले जो चर्चा करते हैं हम देह की चर्चा करते हैं। देह जो उनकी होती है, जो छिपकली होती है, उसकी आकृति पाई जाती है। ये छिपकलियां होती हैं वैसी पाई जाती हैं। यहाँ जो स्नेक्स होते हैं सर्प होते हैं, और छिपकली होती है उसकी आकृति के जंतु पाए जाते हैं। यहाँ जो बड़ी छिपकलियां होती हैं उसकी आकृति की देह यहाँ पाई जाती है। जो त्वचा होती है या बाह्य कंकाल होता है वो यहाँ जो कणिकामय शल्कों के रूप में पाया जाता है, और इनके अंदर जो मध्य पृष्ठ तल पर एक कांटों की पंक्ति पाई जाती है, इन रिंको सेफेलिया के अंतर्गत। ये जो स्क्विमेटा जंतु होते हैं उसका जो शल्क होते हैं वो संघी होते हैं, होर्नी संघी होते हैं, और जो अधिचर्म के द्वारा बने पाए जाते हैं एपिडर्मल इन ओरिजिन। और इन
स्केल के रूप में पाए जाते हैं, या सेल के सेल्स के रूप में पाए जाते हैं, या कांटों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो बाह्य कंकाल हैं वो स्क्यूटा में पाए जाते हैं। क्रोकोडिलिया में सेल के रूप में पाए जाते हैं, और जो अस्थिल प्लेट होती है उसके रूप आ जाते हैं, स्क्यूट के रूप आ जाते हैं। तो बड़े बड़े स्क्यूट होते हैं वो भी यहाँ उपस्थित पाए जाते हैं बाह्य कंकाल के रूप में। जो क्वाड्रेट अस्थि होती है कपाल के अंदर, वो यहाँ अगतिशील होती है, यहाँ गतिशील होती है, यहाँ अगतिशील होती है। ये जो क्वाड्रेट अस्थि है, यदि ये गतिशील होती है तो ये अपने मुख को काफी अधिक खोल सकते हैं शिकार को निगलने की प्रक्रिया के लिए। तो यहाँ ऐसी प्रणाली नहीं है, ये एक निश्चित आकार के शिकार को निगल सकते हैं, लेकिन ये जो सर्प होते हैं और छिपकलियां होती हैं, ये बड़े से बड़े आकार के जो शिकार को निगल सकते हैं। ये भी इमोबल क्वाड्रेट अस्थि कारण जो एक निश्चित आकार के शिकार को ही निगल पाते हैं। तो पसलियां होती हैं, उसमें एक हेड होता है, तो पसलियों के दो छोर होते हैं, दोनों में से केवल एक पर एक जो गोल आकृति का हेड है वो उपस्थित पाया जाता है। इनकी पसलियां भी सिंगल हेडेड होती है जिसमें एक ही हेड पाया जाता है, लेकिन इसमें जो पसलियां होती हैं डबल हेडेड प्रकार की पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो पसलियां होती हैं, तो ये मान लीजिए इस पर एक हेड है और दूसरी वाली डबल हेडेड वाली, इसमें दो हेड पाए जाते हैं। तो ये पसलियों के अलग अलग प्रकार की संरचना पाई जाती है। जो दांत होते हैं, एक्रोडोंट प्रकार के दांत होते हैं और क्लोरोडोंट प्रकार के दांत होते हैं। एक्रोडोंट जो दांत होते हैं, वो दांत जो जबड़े की हड्डी होती है उससे जुड़े पाए जाते हैं, और क्लोरोडोंट मतलब वो बार बार टूटते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। तो ऐसे दांत जो बार बार टूटे और उनका निर्माण तुरंत हो जाए, क्लोरोडोंट प्रकार के दांत कहलाते हैं। यहां भी दांत उसी प्रकार के हैं, एक्रोडोंट और क्लोरोडोंट प्रकार के दांत यहां उपस्थित पाए जाते हैं। यहाँ जो दांत होते हैं थीकोडोंट होते हैं, इनके दांत मसूलों के अंदर, जैसे हमारे अंदर है, मसूलों के अंदर दांत उपस्थित पाए जाते हैं, क्रोकोडिलिया जो जंतु होते हैं उनके अंदर। ये जो हृदय है, हृदय यहाँ त्रिकोष्ठी है, लेकिन आंशिक रूप से चतुर्थ कोष्ठी पाया जाता है। जो नीले है उसमें जो बीच में जो सेप्टा है वो निर्माण उसका हो रहा है, पूरी तरह अभी हो नहीं पाया है। तो ऐसा जो आंशिक रूप से चतुर्कोष्ठी हृदय यहाँ पाया जाता है, यहाँ भी इसी प्रकार का हृदय पाया जाता है, जिसमें जो है आंशिक रूप से नीले विभाजित पाया जाता है। लेकिन यहाँ जो हृदय है क्रोकोडिलिया के अंदर, वो पूर्णतः चतुर्कोष्ठी पाया जाता है, दो आलिंद होते हैं, दो नीले पाए जाते हैं। जो औषधि छिद्र होता है, फ्लोकल पूर्ण होता है, यहाँ एक अनुप्रस्थ खाच के रूप में पाया जाता है, यहाँ भी अनुप्रस्थ खाच के रूप पाया जाता है, और यहाँ अनुधेय खाच के रूप में पाया जाता है। जो मैथुनी अंग होते हैं नरों के अंदर, यहाँ अनुपस्थित है, यहाँ एक जोड़ी पाए जाते हैं। ये जो रिवर्सिबल प्रकार के जो बाहरी सारी प्रकार का जो होता है इसमें, ये हेमिपेनिस के रूप में पाए जाते हैं। तो जो सर्प और छिपकलियां होती हैं, इसमें एक इस प्रकार का पेनिस संरचना हेमिपेनिस के रूप में पाई जाती है, जोड़े के रूप में। और यहाँ जो होता है क्रोकोडिलिया के अंदर, एक मध्य पेशीय रेप्टाइल पेनिस के रूप में मैथुनी अंग पाया जाता है। ये जो स्टर्नम है, उरोस्थी है, ये इसमें उपस्थित है, इसमें उपस्थित है, या अनुपस्थित, दोनों प्रकार की इसमें स्थितियां हैं। यहाँ तो उपस्थित हो सकता है कुछ जंतुओं में अनुपस्थित पाया जाता है, यहाँ सब में ये उपस्थित पाया जाता है। यहाँ जो क्रोकोडिलिया जंतु होते हैं उसमें भी जो उरोस्थी उपस्थित पाया जाता है, इससे आगे आकर जो पसलियां जुड़ी पाई जाती है। मूत्राशय पहले वाले में उपस्थित है, दूसरे वाले में उपस्थित, अनुपस्थित दोनों चीजें पाई जाती हैं, कुछ जंतुओं में उपस्थित है, कुछ जंतुओं में अनुपस्थित पाया जाता है। क्रोकोडिलिया में ये जो मूत्राशय है ये अनुपस्थित पाया जाता है, इनके अंदर ये अनुपस्थित पाया जाता है, क्योंकि ये जो रेप्टिलिया अन्य जंतुओं से, अन्य रेप्टिलिया से अधिक विकसित पाए जाते हैं, तो वस्त्र यहां अनुपस्थित हो जाता है। ये जो
सेफेलिया गण है, इसमें स्फेनेडोन नाम का जंतु पाया जाता है। ये जो स्क्यूमेटा गण है इसको दो उपगणों में विभाजित कर देते हैं, लेसेटेलिया जिसमें रिजार्स आती हैं सारी सारी, और ओफिडिया इसमें सर्प आते हैं। ये जो क्रोकोडिलिया होते हैं इसमें क्रोकोडाइल्स होते हैं, एलिगेटर्स पाए जाते हैं। तो ये वर्गीकरण है रेप्टेलिया वर्ग का। धन्यवाद।